وقت تاسو لا هم خبر درکو اسلام آباد کې په ټریفیک حادثه کې د مړو شو سلور ملګرو په شمول مانسهره کې د قتل کړي شوی اکرام تنولی مبینه ملزمانو گرفتاره او انصاف ورکولو لپاره خواجه سرا او احتجاجي مظاهره کړي ده. خواجه سرا او د مجرمانو گرفتاره لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړي دي او ریلی وسته ده. د ریلی قیادت د هزار ډیویژن صدر مسماریا کړي دي. د ریلی برخوالو پلیکارډونه پورته کړیو چې په د مجرمانو د گرفتاری او رشتهدارو ته د انصاف ورکولو په حق کې نارې درج دي. خواجه سرا څو ورځې وړاندې مانسهره کې د قتل کړي شوي ځوان اکرام تنولی د قاتلانو د گرفتاری غوښتنه هم کړې ده. په دې هکله نور تفصیل اخلو د خپل نماینده آصف اقبال نه. جی آصف اقبال، کیا تفصیلات ہیں؟ जी बिल्कुल, मानसेरा प्रेस क्लब के सामने ख्वाजा सराओं की बहुत बड़ी तादाद ने सबसे पहले रैली निकाली और उसके साथ साथ एहतजाज किया। एहतजाज की क्यादत जो है मानसेरा के जो सदर है मिस मारिया ने की। इनका ये मुतालबा था कि इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसा में कश्मला तारक के बेटे के आत्म मुबैना गफलत की वजह से जहाँ भाग होने वाले चार जो जवान मानसेरा के तलब रखते थे उनके मुलजमान की गिरफ्तारी जो है नामजद मुलजमान गिरफ्तारी का हाल जो है मुमकिन नहीं हो सकी, उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। इसके साथ साथ मानसेरा में कत्ल होने वाले जो अकरम तनौली जो है उनकी कत्ल भी हुआ, उसके खिलाफ भी उन्होंने मानसेरा प्रेस के सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ इन दोनों वाकयात में जितने भी पुलिस का रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करे। ख्वाजा सराओं की बहुत बड़ी तादाद ने प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे, पुलिस से मुतालबात किए जा रहे थे, अदालतों से मुतालबात किए जा रहे थे कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है इमरान खान समेत जो बाकी जो इदारे हैं एक्शन लें और इमरान खान वजीर आजम इसमें खुद एक्शन लें और इस तरह मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर जो है ऐलान करें। इसके साथ साथ जो चार लोग कत्ल हुए हैं इनके उनकी खानदान के साथ जो है हमारे तामल का मुतालबा भी ख्वाजा सराओं ने किया। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए।